पाकिस्तान के चाहे मौजूदा प्लेयर हों चाहे पूर्व प्लेयर हों, इन सबकी मानसिकता जो है ना ये भारतीयों को लेकर इतनी घटिया है कि बार बार मौके मौके पर ये चीजें बाहर आ ही जाती है। कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा इन्होंने क्रिकेट खेला है, आज की तारीख में ये इसीलिए इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि इनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है और उस बयान में इन्होंने सरदारों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी करी है जो कि सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा कि यार ये आखिर किस मुंह से ऐसी बात कर रहा है। भाई पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ही खेला है ना, वो खेल के भी कोई बहुत ज्यादा उखाड़ा नहीं, जितने तरह के तुमने कैच टपका है ना, एक ढंग का प्लेयर तो तुम बन नहीं पाए। और जब बात हमारे देश के सिखों के बारे में आती है तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। 12 बज गए, हर्षदीप सिंह आखिरी ओवर डालने के लिए जाने वाले थे, ये महाशय वहां पर बैठ के कहते हैं अरे वो उसकी तो वैसे भी रिदम खराब है और 12 बजने वाले हैं तो 12 बजे तो सरदार को ओवर नहीं देते। हद होती है यार, मतलब बेगैरतपन की भी हद होती है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, थोड़ा तो दिमाग चला लो अपना। मतलब एक लेवल पर बैठकर तुम बात कर रहे हो, एक एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तब तुम उस पैनल में शामिल हुए जहां पर जिस जहां पर बैठकर तुम ये पूरी बकवास कर रहे हो, और उस जगह को तुमने चुना किस बात को बोलने के लिए, ये बात। वकार यूनुस का अभी कुछ दिनों पहले ऐसे एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि वो रिजवान ने इतने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। क्या ये मेंटेलिटी बताता है कि क्या मेंटेलिटी? ये लोग भारत को लेकर बोलते हैं ना कि भारत ऐसा भारत वैसा, भारतीयों को तो इनके बारे में बोलना भी नहीं पड़ता, ये लोग खुद ही ऐसे कर्म कर देते हैं ना कि उसके बाद इनको खुद ही माफी मांगनी पड़ती है। वकार यूनुस ने भी तब माफी मांगी थी और कामरान अकमल ने भी अभी माफी मांगी है, एंड सबसे बड़ी बात इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर माफी भी मांग लेते हैं तो सिर्फ वो इसीलिए कि हाँ खाना पूर्ति हो गई, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि हम दिल से माफी मांग रहे हैं, हम मन से माफी मांग रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है इनका, सिर्फ ये था अरे माफी मांगो रफा दफा करो बाद में समझेंगे क्या है, अभी अपने को क्या करना। अब कामरान अकमल के इस मैटर में भले ही कामरान अकमल ने माफी मांग ली हो, लेकिन क्या माफी मांग लेने से अब वो शब्द लोग भूल जाएंगे जो कामरान अकमल ने यूज किए? मेगाब्रेड ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग हेटफुल एंड डिप्लोरेबल स्टेटमेंट्स बाय पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल कवरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच अगेंस्ट इंडियन प्लेयर अर्शदीप सिंह बिकॉज ही इज अ सिख। सबसे अच्छी चीज इसमें यह रही कि इसमें हरभजन सिंह का एक बहुत ही तीखा बयान निकलकर सामने आया। हरभजन सिंह ने सीधे तौर पर लताड़ा यहां पर कामरान अकमल को और कहा कि लाख दिलाना तेरे कामरान अकमल, यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ सिख बिफोर यू ओपन योर फिल्थी माउथ। वी सिख सेव्ड योर मदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन दे वर एब्डक्टेड बाय इन्वेडर्स, द टाइम इनवेरिएबली वॉज 12 o'clock, शेम ऑन यू गाइज, हैव सम ग्रेटिट्यूड। हरभजन ने साफ तौर पर कहा कि तुमको याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मां और बहनों को जब पकड़ने के लिए इन्वेड जो घुसपैठी आते थे ना, तब हमने ही उनको बचाया था और तब भी रात के 12 ही बजे थे। खैर पता नहीं क्या घुसपैठी यही थे नहीं थे, अब क्या बोलो इन लोगों के बारे में, तो खैर जितना गंदा बोल सको उतना ही कम रहता है। जब ये सब चीजें हो गई तो उसके बाद में कामरान अकमल का ही बयान निकलकर सामने आया। कामरान अकमल ने कहा कि मैं अपने हालिया कमेंट पर गहरा अफसोस करता हूं और ईमानदारी से हरभजन सिंह और सिख कम्युनिटी से माफी मांगता हूं, मेरे शब्द गलत थे, अपमानजनक थे, मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैं वाकई माफी चाहता हूं, बस बात खत्म। अब क्या लगता है आपको, मतलब कामरान अकमल ने इतनी बात बोल दी तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए? भाई इसीलिए दिमाग में ना बार 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 इस तरह के ख्याल आते हैं कि यार ये लोग आखिर किस मेंटेलिटी के साथ में जीते हैं, किस भुलावे में जीते हैं, किस दुनिया में जीते हैं। ये एक पाकिस्तान में अपनी अलग दुनिया बिठाकर बैठे हैं जहां पर कि इनको लगता है कि ये सबके बाप है, जबकि ये है किसी की भी नहीं। मतलब सोचना समझने की इनको कोई जरूरत नहीं है, किसी का आगे किसी का पीछे समझने की इनको जरूरत नहीं है, जो मुंह में आ जा रहा है बस वो हक देना है और कुछ नहीं करना, बाद में माफी मांग लेंगे, झाड़ू सफाई कर देंगे और कुछ भी नहीं। क्या बोलूं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मतलब एक ट्रोल करना एक अलग चीज होती है ना। जैसे क्रिकेट में हम लोग स्लेजिंग की बात करते हैं ना कि अंटिल अनलेस वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही वो ठीक है, बट ये जो आप कमेंट्स कर रहे हो ना, ये डेरोगेटरी कमेंट्स कहलाते हैं, डिफेमिंग कमेंट्स कहलाते हैं, रेसिस्ट कमेंट्स कहलाते हैं। खैर क्या बोलो, इतने शब्दों का शायद इन भाई साहब को मतलब भी नहीं पता होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।